हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस एग्जाम्पलर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, थ्री इनकैंडिसेंट बल्ब्स ऑफ 100 वॉट ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आपके पास तीन बल्ब्स हैं 100 वॉट के, जो कि सीरीज में आपने कनेक्ट किए हैं। इन अनदर सर्किट अनदर सेट ऑफ थ्री बल्ब्स ऑफ द सेम वोल्टेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम सोर्स। एक और सर्किट है जिसमें वही तीन बल्ब्स, एक और सेट है तीन बल्ब्स का जिनकी वोल्ट सेम है, यानी कि 100 वोल्ट ईच आपने पैरेलल में लगाए हैं और वोल्टेज सोर्स भी सेम रखा है। यानी कि जितना वोल्टेज आप इधर प्रोवाइड कर रहे हो उतना ही वोल्टेज इस वाले सेट पे भी मिल रहा है। तो हमसे फर्स्ट पार्ट पूछा गया है, विल द बल्ब इन टू सर्किट्स ग्लो विद सेम ब्राइटनेस, जस्टिफाई योर आंसर। दोनों सर्किट्स में जो बल्ब है उनकी ब्राइटनेस सेम होगी या डिफरेंट होगी, वो हम लोगों को पूछा है और आंसर जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले तो आंसर हमारा होगा कि नो, द ब्राइटनेस विल बी मोर इन पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में ब्राइटनेस ज्यादा होगी। अब उसकी वजह क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि पावर के तीन फॉर्मूला होते हैं, वी आई, देन वी स्क्वायर अपॉन आर, देन आई स्क्वायर आर। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास वोल्टेज सोर्स है वो सेम रखा हुआ है, तो इट मींस जो करंट है वो डिफरेंट होगा। तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला चूज करना है जिसमें वोल्टेज आए और साथ में रेजिस्टेंस का जिक्र हो। तो वी आर गोइंग टू चूज सेकंड फॉर्मूला। हम लोग पहले सीरीज की बात करेंगे। पावर इन सीरीज इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर एस। आर एस मतलब सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस। फिर जब आप पैरेलल की बात करेंगे, वोल्टेज सेम है तो वी स्क्वायर अपॉन आर पी। तो यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो पावर है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चला गया अगर वोल्टेज जो है वो सेम रहती है। वोल्टेज इज सेम। अब हमें पता है जब आप सीरीज में कनेक्शन बनाते हैं तो पैरेलल के कंपैरिजन में सीरीज का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर सेम बल्ब्स हैं, सेम पावर वोल्टेज है इनकी। तो इसीलिए जो सीरीज रेजिस्टेंस है इन बल्ब्स का वो पैरेलल के कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया है कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में ज्यादा है तो जो पावर कंजम्पशन है सीरीज में वो पैरेलल के कंपेयर कम होगी। अब अगर पैरेलल में पावर कंज्यूम ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो ग्लो है बल्ब का वो पैरेलल में ज्यादा होगा। बल्ब ऑफ ग्लो ऑफ बल्ब्स विल बी मोर इन पैरेलल, क्योंकि हमें पता है अगर कोई चीज पावर ज्यादा खींच रही है तो मतलब उसका ब्राइटनेस ज्यादा होता है। अगर सेम चीज की आप बात यहाँ पर दो अलग अलग तरीकों से कर रहे हो, तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो इस तरीके से दिया जाएगा। नाउ पार्ट बी, ए पार्ट को अपन इरेज कर देते हैं। बी हमसे अब क्वेश्चन पूछा गया है, नाउ लेट वन बल्ब इन बोथ द सर्किट गेट फ्यूज। दोनों सर्किट में कहते हैं मान लो कि एक बल्ब फ्यूज हो गया, विल द रेस्ट ऑफ बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो इन ईच सर्किट। क्या दोनों सर्किट में जो बाकी के दो बल्ब बच गए वो ग्लो करते रहेंगे। गिवन सर, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे,
two bulbs will continue to glow in not series in parallel. In parallel connection as current flow has different paths due to which a closed and continuous path remains there for two bulbs. पैरेलल में जो बल्ब्स हैं दो वो कंटिन्यू करेंगे ग्लो करते रहेंगे, क्योंकि जब पैरेलल की बात करते हैं हम लोग तो करंट को फ्लो करने के पास अलग अलग रास्ते होते हैं, जिस वजह से वो एक क्लोज और कंटिन्यूस पाथ बना देते हैं। और इस तरीके से जब क्लोज और कंटिन्यूस पाथ बन गया तो आपका करंट फ्लो करता है और आपका जो बल्ब है वो ग्लो करते रहेंगे। लेकिन सीरीज में क्या होगा, टू बल्ब्स विल नॉट ग्लो इन series connection as current flow has only one path and as one bulb has fused so it has made this electric circuit open. दो बल्ब ग्लो नहीं करेंगे सीरीज में, क्योंकि जो करंट फ्लो है उसके पास सीरीज में सिर्फ एक ही रास्ता होता है फ्लो होने का, और एक बल्ब ने फ्यूज हो गया है तो इसीलिए उससे जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो ओपन हो गया है और इस तरीके से वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ बी पार्ट का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 30, स्टेट ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ लिखें तो पहले आप लोग ओहम्स लॉ लिख लेते हैं। करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड टेम्परेचर should remain same. एक कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो कि उसके एंड्स के अक्रॉस लगाया जाएगा। यानी कि जैसे सपोज कर लो ये आपके पास एक कंडक्टर है और ये इसके एंड्स हो गए ए एंड बी, और आपने इन एंड्स को कनेक्ट कर दिया है एक वोल्टेज सोर्स के द्वारा जो अब यहाँ पे बैटरी है, और
जैसे जैसे आप ये वोल्टेज यहाँ से इंक्रीज करोगे तो जो करंट फ्लो है वो भी इंक्रीज करता रहेगा, लेकिन जो टेम्परेचर है इट शुड रिमेन सेम। यानी कि अगर ये एक्टिविटी आप सपोज करो 25 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हो तो इतना ही टेम्परेचर और थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट रहना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो फिर ये लो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और वी कैन से वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। वी अपॉन आई जो हमारे पास बनेगा तो इज इक्वल टू, हटाने के लिए हम लोग कॉन्स्टेंट लगा देंगे, दैट इज आर, वेयर आर इज रेजिस्टेंस, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट से रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हम लोग कहते हैं। तो ये हमारा ओम्स लॉ की स्टेटमेंट आ गई। नेक्स्ट है, हाउ कैन इट बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। इसे आप एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई कर सकते हो? आपकी एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, आपको वो एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म करनी है, मतलब थ्योरेटिकली एक एमीटर लगाओगे आप लोग, ये एक वायर लगेगा आप लोगों का सर्किट में, यहाँ पे आप बहुत सारे सेल्स लगाओगे, दिस इज योर की जो स्विच का काम करेगी, और एक हम लोग वोल्ट मीटर यूज करेंगे। दिस इज वोल्ट मीटर, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दीज आर द एंड्स ऑफ वायर से AB, दिस इज की। अब यहाँ पे जो बैटरी है इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ये मैं आपको समझाता हूं कि इसका पर्पस क्या है करने का। लाइक दिस, फिर हम लोग इसको थोड़ा सा डॉटेड बनाएंगे। इस तरीके से इसका मतलब क्या है, जब हम लोगों ने जब आप की को क्लोज करेंगे तो जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा। जब हम लोग अपना कनेक्शन यहां पर लगाएंगे से P1, दिस इज पॉइंट वन, तो सिर्फ एक सेल है जो सर्किट में काम करेगा, और एक सेल के थ्रू जो वोल्टेज आएगी उसे हम लोग लिख लेंगे V1, और कॉरेस्पॉन्डिंग एमिटर की करंट रीडिंग देख लेंगे I1, और फिर इसको डिवाइड करेंगे V1 अपॉन I1 को। सेकेंड बार हम लोग P2 पे कनेक्शन जोड़ देंगे, यहाँ से वायर हट जाएगा और ये वायर लग जाएगा, यानी कि अब दो सेल हम लोग यहाँ पर टेक ओवर करेंगे, तो उसमें जो वोल्टेज है वो V2 हो जाएगी और जो करंट है वो I2 हो जाएगा। और आप लोग इसकी रीडिंग नोट कर लोगे वोल्टेज और करंट की, V2 अपॉन I2। फिर आप कनेक्ट करोगे थर्ड सेल को भी P3, तो अब तीन सेल्स हो जाएंगे, तो वोल्टेज हो जाएगी V3
और करंट हो जाएगा I3, और इसका भी रेशियो आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। फाइनली आप यहाँ पे P4 पे कनेक्ट कर दोगे तो ऑल फोर सेल्स विल बी देयर इन द सर्किट, वोल्टेज विल बी V4, करंट विल बी I4, और आप इसका भी रीडिंग नोट कर लोगे। जब आप लोग ये रेशियो कैलकुलेट करोगे, यू विल सी कि ये अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे रेशियो, तो अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा, तो वही ओम्स लॉ लो वेरीफाई हो जाएगा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो वोल्टेज अपॉन करंट का जो रेशियो है वो सेम रहेगा। और भी कैसे कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उसी रेशियो में करंट भी इंक्रीज होता रहेगा। और फिर जब आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे वोल्टेज और करंट के बीच में, यू विल सी कि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो जाएगी जो ओरिजिन से पास करेगी। ओरिजिन से पास होने का मतलब ये है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट भी जीरो हो जाएगा, और इस तरीके से आपका ओम्स लॉ वेरिफिकेशन या वेरीफाइड हो जाएगा। ओके, हमें आगे क्वेश्चन पूछा था डज इट होल्ड गुड अंडर ऑल कंडीशन, तो हमारा आंसर आएगा नो, ये सभी कंडीशन पे होल्ड नहीं करेगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, टेम्परेचर शुड रिमेन सेम, टेम्परेचर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर सेम नहीं हुआ तो फिर ये जो लो है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हुआ। आई होप कि 29 और 30 दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।